मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झामो अपना 52वां स्थापना दिवस कल धनबाद में मनाएगा। इसे लेकर झामो नेताओं ने तैयारियां पूरी कर ली है। झामो अध्यक्ष शिबू सोरेन के साथ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित कई नेता स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। झामो के कार्यकर्ताओं की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी भी जताई गई है। संयुक्त रूप से ये अभियान जारी कर रहे हैं कि हम लोग आज 52वां स्थापना दिवस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं पूरा जोर शोर से है, और धनबाद के तमाम जिले में जितने भी प्रखंड के, पंचायत के, गांव के लोगों से अपील करते हैं कि आज दिशम गुरु शिव सोरेन का जो स्थापित किया हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये 52वां स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है, इसका गुरु जी ही एकमात्र इसका संस्थापक के रूप में आगे उभर कर आए हैं, और आज इसका लड़ाई के माध्यम से जो झारखंड राज्य अलग हुआ, इसी का आज याद दिलाते हैं कि 52वां स्थापना दिवस में कैसे हम लोग लड़के लिए हैं झारखंड राज्य, और कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि हमारे 52वां स्थापना दिवस में माननीय मुख्यमंत्री का जिस तरह का बीजेपी सरकार ने उस पर आरोप लगाते हुए बंद किया है, इसका न्यायालय के माध्यम से वो वापस आएंगे और इस राज को कैसे ठीक ढंग से चलाएंगे, इसका भी उन्होंने लंबी लकीर खींच के रखी है। आप मुक्ति मोर्चा का सिपाही हैं, वोटर हैं, तो आप गाड़ी घोड़ा कहाँ मिला नहीं मिला, आप गल्फ ग्राउंड की तरफ आइए और लाखों के भीड़ में शामिल होइए। माननीय मुख्यमंत्री आएंगे, माननीय गुरु जी आएंगे, माननीय सांसदगण आएंगे, माननीय मंत्रीगण आएंगे, माननीय विधायकगण आएंगे, और हमारे पार्टी के सभी नेता, ये सेंट्रल कार्यक्रम है, इसमें दर्जनों नेता आएंगे, इसमें सभी तरह के मने नेता रहेंगे, चाहे वो हफीजुल हसन हो या चाहे चंपाई बाबू हमारे मुख्यमंत्री हो, और चाहे वो महुआ माझी हो, चाहे वो विजय हंसदा सांसद हो, ये चाहे हमारे वो बेबी देवी मंत्री हो, सभी लोग आएंगे। इसीलिए इसमें सभी तरह के नेता, सभी हमारे छोटे बड़े नेता का एक समागम होता है, और 52वां स्थापना दिवस ऐतिहासिक होगा। 50,000 नहीं, लाखों तक का भीड़ होगा, ये हम लोग आशा रखते हैं। बीजेपी ने जो ये चाल चला था कि पीछे के दरवाजे से झारखंड की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिरा के वो अपनी सरकार बना ले, उसमें वो नाकाम रहे, राष्ट्रपति शासन लगा ले उस पर वो नाकाम रहे, आज आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जेल में रहने के बाद भी श्री चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कर लिए हैं। आने वाले दिनों में राज्यपाल के समक्ष सभी विधायकगण अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, और मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा, और माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वापस से बेदाग होकर बाहर आएंगे, क्योंकि जो मुकदमा बनाया गया है वो दरअसल मुकदमा बनता ही नहीं है। आने वाले समय में आप देखेंगे पाक साफ होकर आदरणीय हेमंत सोरेन जी बाहर आएंगे। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।